नमस्कार 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। झारखंड और बिहार की खबरों पर डालेंगे नजर, वो भी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। कल से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। यात्रा में जाने से पहले तेजस्वी यादव पर बोला हमला। उड़ीसा के शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, कहा झारखंड में चल रही है परिवर्तन की लहर, झारखंड में फिर से बनेगी डबल इंजन की सरकार। गिरिडीह में चुनाव से पहले आपराधिक गतिविधि का पर्दाफाश, हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था अपराधी। सरायकेला सीट से जन्म युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन ने पेश की दावेदारी, कहा पार्टी का सच्चा सिपाही, पार्टी के हित के लिए करता रहूंगा काम। लोहरदगा में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर बैलून फेस्टिवल का आयोजन, मतदाताओं को मतदान के प्रति किया गया जागरूक, सभी से चुनाव के दिन वोट डालने की गई अपील। गिरिडीह में इलाज के दौरान महिला की मौत, लक्ष्मी मेडिसिन सेंटर पर लापरवाही का लगा आरोप, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। लातेहार में नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी ने किया पदभार ग्रहण, कहा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की होगी प्राथमिकता। बिहार के सारण सिवान के बाद गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति की आंखों की गई रोशनी, परिवार में मचा कोहराम। नालंदा में लापता व्यक्ति का शव बरामद, नाक और गले पर मिले जख्म के निशान, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। सुपौल के रानीपट्टी में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक पर सवार युवक जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। तो मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।